more than excitement, as with all the projects, I am pretty nervous as well. Because this is like a new arena that I'll be entering into. Or मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है. आई एम लुकिंग एट इट एज वन ऑफ माय मे बी द फर्स्ट एंड द न्यूएस्ट प्रोजेक्ट्स दैट आई विल बिगिन अगेन. जजेस इज जस्ट अमेजिंग. एक तरफ जहाँ पर मल्टी फैसेटेड करण जौहर सर है, दूसरी तरफ द हॉट सेंसेशन ऑफ नेशन नौरा फतेही, एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डीवा माधुरी मैम है. एक्साइटिंग, नर्वसनेस काफ़ी रहती भी है सिंस आई हैव स्टार्टेड रिहर्सिंग फॉर, एंड इमेजिनिंग के परफॉर्मेंस होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर स्टिल पॉपिंग इन माई हेड. बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना, ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग. और कहते हैं जनता जनार्दन है, दे आर गोइंग टू डिसाइड हु विल बी यू नो द लकी वन टू होल्ड द ट्रॉफी फॉर झलक दिखला जा सीजन 10 जो ऑलमोस्ट 5 सालों के बाद आ रहा है. ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी रहने वाली है, इसकी शुरुआत हो गई है. एंड यू नो वो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी था, लेकिन वो सारा नर्वसनेस एक्चुअली गायब हो गया और सिर्फ एक्साइटमेंट बाकी है अभी. क्योंकि ये जो जर्नी है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा. एंड ये जर्नी एक यू नो एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक्चुअली जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक अ डांस रियलिटी शो, और फाइनली वो ऐसा एक जो शो है जो मैं चाहता था मेरी लाइफ में वो आ गया है. एंड अब बस इस सफ़र में अपना 100% देना है और बस एंजॉय करना है. ये जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि जो हमारे जितने भी दिग्गज जजेस हैं, माधुरी मैम जिनका मैं बचपन से फैन रहा हूँ, और जो कि करण सर है, करण सर की तो मूवीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, जिससे इंस्पायर हुआ हूँ टू बी एन एक्टर, एंड नौरा हु इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर. सो ये तीनों जो यू नो जो दिग्गज लोग सामने बैठे रहेंगे तो उनके सामने परफॉर्म करने में डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी. सो झलक दिखला जा सीजन 10 में मैं हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ. करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नूरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला. इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे, और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पर. वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया, तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे. एंड आई वॉज लाइक कि जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है. तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई, और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई. लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है. तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज बचपन से जिनके यू नो जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से. सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ. मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है. नच बलिए हम लोग जीते हैं मैं और हिमांशु, बस तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर.